सबसे पहले सभी को नमस्कार है, सबको प्रणाम, और हमारे जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं आप सभी का प्यार आशीर्वाद है कि हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं कुछ नया करने का प्रयास किया हूं, और आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी का लॉन्चिंग है जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं। और आज हमारे साथ हैं सुमित भैया, उधारी भैया साथ में, और बहुत लोग कैमरा में भी कुछ लोग नहीं आए ना, तो वो लोग इंट्रोड्यूस कर रही थी बट सभी लोग शामिल बा और एक अच्छा कंपनी की शुरुआत बा, और बहुत ही बेहतरीन गाना हमने कहले बन सुनी कंपनी के लिए। अरे कितने गानों की तैयारी हुई है, जैसे आज ये पहला सॉन्ग है, और कितने गानों की बात हुई है? सावन का पावन महीना चल रहा है, तो फिलहाल तो अभी हम लोग कुछ गाने करके कंपनी लॉन्च कर दी। आज सावन का लास्ट सोमारी है आज, और अभी बैक टू बैक बहुत सारे गाने देखने सुनने को आप लोगों को मिलेगा जिसका अभी तैयारी चल रहा है। इसमें सिंगर गाए हैं अवनीश बाबू, और साथ में साथ शिल्पी राज का डुइट है, और इसे गाने को लिखे हैं सोनू सरगम जी, और म्यूज़िक मेरा है। बाकी वीडियो टीम हैं साथ में, मोती भाई हैं और उधारी जी हैं, जिनके माध्यम से अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो शूट हुआ है जो आप लोगों को देखने सुनने को मिलेगा बहुत जल्द। सुमित जी, आर्या शर्मा के पास बहुत लंबी कतार होती है आर्टिस्टों की, बड़े बड़े आर्टिस्टों के, बहुत ज़्यादा नाम होते हैं। आपको पहले ही सॉन्ग में आपके आर्या शर्मा का म्यूजिक मिला, आर्या शर्मा का साथ मिला, कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? देखिए, सब माता रानी के कृपा है। हमारे बड़ भाई हुआ आर्या भैया, वापस मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हम सभी, चाहे वो कलाकार हों या टेक्नीशियन टीम हो हमारे, हम सभी से आग्रह करते हैं, हमारा एक मन मिलता है, हमारा काम मिलता है, बस भैया के सहयोग बा हमने सब साथे काम कही जाई, काम जारी बा, काम होत बा, बढ़िया काम चलता है। आगे और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ देखे के मिली हमारा भोजपुरी दर्शक लोगन के। प्रणाम, गोला का तेंदुआ के। क्या जिम्मेदारी है इस नए सॉन्ग में आपके पास? सबसे पहले तो जितना लोग देखा था वहाँ वहाँ के हम गोल लगाते नहीं, और जिम्मेदारी हमारी ये बा कि मैं एज ए कोरियोग्राफर हम अपन रोल निभावत नहीं, और बहुत बेहतरीन अभी कुछ देर में वो सबके बीच दिखावल जाए। और आर्या भैया के मैं म्यूजिक बा, मोती जी पूरा डिजाइन के लिए बनी, सुमित भैया अभिनय के लिए बनी, यहाँ के फर्स्ट गाना बैठे, पहला यहाँ के इंट्रोडक्शन सॉन्ग बैठे, तो वही हिसाब से हमने के प्लान के लिए बन जाए कि एगो 72 इंट्रोडक्शन के हुआ को मार्केट में के हुआ हो, तो मुझे हमारा नहीं क्या लगा कि मतलब वो बात कहते नहीं कि इतना बढ़िया केहू के लॉन्चिंग एल्बम इंडस्ट्री में भैल हुई, जितना भोजपुरी में, खास करके भोजपुरी में। और ये अकेले हमार ना, यहाँ के मोती भैया के, हमार एडिटर आलोक भैया बनी वहाँ के, मतलब सबकर साथ मिल रहा था, बेहतर देखे हम तो खुदे बताई, मजा आई देख के। बाबू, क्या सुमित तिवारी साहब ने अपना काम बेहतर तरीके से किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके पर्सनालिटी पे अच्छा लगेगा हमने वही कोरियोग्राफ किया है, और इन्होंने उसको बखूबी, और ख़ास तौर से सामने हैं तो इनका तो तारीफ़ मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन इनको जो साथ दिए हैं खुशी जी, वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं, और इनके एक्सप्रेशन एक है जो मेरा फेवरेट है जो लुक देख के ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भोजपुरी का हमारा यश आ गया तो मज़ा आता है, और मज़ा आया काम करके, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुमित जी, आपको लोग पहले भी कहते हैं कि आप यश की तरह दिखते हैं? जी, बहुत लोगों से सुना हूँ, दोस्त यार रिश्तेदार घर परिवार में बहुत लोग बोलते हैं कि मैं यश की तरह दिखता हूँ। नहीं पता, मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं दिखता भी हूँ या नहीं दिखता हूँ, बट अगर लोगों का ये प्यार मिल रहा है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोग मुझे इस नज़रिया से देखते हैं। चलिए, खुश तो मैं भी हूँ कि कम से कम हमारे भोजपुरी सिनेमा में अपना खुद का एक यश है। अरे फिर तो आप फिल्म भी KGF टाइप की ही बनाएंगे, अगर भोजपुरी में आप बनाएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है, ट्रस्ट है कि आप फिल्म भी KGF टाइप की ही बनाएंगे। बेशक बेशक बेशक। तैयारी चल रही है? बिल्कुल, तैयारियां चल रही हैं, समय लगी अभी उसमें। यहाँ के खास बातें को हम बतावल चाहे हम कि जब हमने के वीडियो को प्लानिंग चलते रहे
तो यहाँ के कहनी कि हमके कुछ हो नहीं करके उधारी जी अपन लोग बेस्ट दी का दे सके नहीं, तो हमने के लगातार करीब करीब एगो गाना के ऊपर हमने के एक महीना से मेहनत करते नहीं जा। तब यहाँ के सोच बहुत अलग बा, अदरवाइज जे भी लॉन्चिंग लोग करला कि चलो भाई कुछ हो करके आ जा मार्केट में, ना यहाँ के कहते हैं कम करम लेकिन ठोस करम। अरे शर्मा जी, कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई सुमित तिवारी जी, कैसे आपसे मिले और ये हुआ कि भाई साथ काम करना है, क्योंकि आपके पास तो बहुत भीड़ रहती है। सुमित जी से हमारी मुलाकात मोती भैया के थ्रू हुई, जिनका जिनके साथ हम बहुत दिनों से काम करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा शुरुआती दौर था मुंबई में, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने गानों के माध्यम से मुझे किया है। तो उन्होंने बोला कि हैं एक भैया, बड़े भैया मित्र, उनका काम करना है, तो मैं बोला बिल्कुल किया जाएगा। और जब मुलाकात हुई मेरी सुमित जी से तो काफ़ी अच्छा लगा। गाने से पहले होता है इंसान का जो बात व्यवहार है वो मेरे लिए खास करके इम्पोर्टेंट करता है। गाने तो ऊपर वाले कृपा से बहुत हैं, जितना करो उतना कम है, बट व्यवहार अच्छा लगना चाहिए। सो आज मैं यहाँ पे इनके साथ में हूँ। फिल्म करने की भी तैयारी कर रहे हैं, ये साथ तब तक साथ देंगे उसमें भी? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। एक अच्छा अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जो भी काम हो उसमें तो मैं हमेशा आगे रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि पहले के माध्यम से अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत चीज़ों को लेके बदलाव आई है, वीडियोज़, ऑडियोज़, गाने, और हमारे तो काफ़ी सारे गाने आप लोगों ने सुना होगा। मेरे मतलब हमारे हमेशा से कोशिश यही रही है कि साफ़ सुथरा और अच्छा बेहतर गाने दिखाएं लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार भी मिला। शिल्पी राज के मैंने काफ़ी सारे गाने किए हैं, और मुझे नहीं लगता एक भी बल्गर वर्ड चाहे जो भी चीज़ हो हम लोग लाए हैं। कहीं ना कहीं बहुत प्रयास रहा है कि अच्छे गाने के माध्यम से हम लोग आए इंडस्ट्री में। देखिए, मैं जन्म हमारी बिहार में हुई, बट जब तक हम बड़े होते हम झारखंड में आ गए थे। मैं बेसिकली रहने वाला झारखंड में पलामू जिले का मुख्यालय जो डाल्टनगंज है वहाँ से हूँ। बचपन से काफ़ी स्कूल टाइम में कॉन्वेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम नाटक और ड्रामा में परफॉर्म किए हैं, स्टेज शो में जो भी चीज़ें हुई हैं। तो उस समय से हमारी एक काफ़ी दिली इच्छा थी कि बड़ा होकर मुझे एन एक्टर बनना है, बट बीच में ऐसी बहुत सी जिम्मेवारियाँ आती हैं ज़िंदगी में, निपटाते निपटाते थोड़ा इंडस्ट्री में पहुँचते देर हुआ, बट जो भी हुआ दुरुस्त हुआ। और मैं एक अपनी ओर से आपके बिना पूछे एक बात बोलना चाहूँगा। हमारा ये मनी म्यूज़िक का ग्रुप, हमारा ये टीम, टेक्निकल टीम हो, हमारे वीडियो सेक्शन से हो, या फिर हमारे कोई भी जितने भी लोगों को अगर इकट्ठा करने का कोई काम किया है, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, आभार, थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे मोती जी को। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से अपने आधे उम्र को इन्होंने गुजार दिया है, तो एक सबका जुड़ाव इन्होंने एक माला बनाया है एक एक मोती को पिरो के। मैं इनका वापस दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बस अपने तरफ से अच्छा काम करना है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और जाहिर सी बात है कोई कंपनी का शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत में इतने ज़्यादा खर्चा करके भी, खास करके एल्बम मैं भी देखता हूँ कितना में क्या बनता है, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पे खर्चा किया है, तो बेहतरीन बनाने का एक प्रयास रहा है। सो आगे भी हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अब तो रुआ सबसे गुजारिश बा कि मनी म्यूज़िक जो ओपन होता है आज, और खास करके सावन के पावन महीना में, ओके रुआ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि हमने के जितना भी वीडियो अपडेट मिले वह सबके देखे और सुने के पहले मिले। सो थैंक यू सो मच, यही मैंने प्यार आशीर्वाद आप। सबसे पहले तो मैं सागर परदेसी गीतकार, आप सब श्रोता लोग के गोर लगतनी, प्रणाम करतनी। आज हमारे एगो कैसेट रिलीज भइल बा मनी म्यूजिक से, जौन के शिल्पी राज अनीश बाबू गौले बनी लो, जेकर म्यूजिक आर्या शर्मा, गीतकार सोनू सरगम जी बानी। तो कृपया आप लोग सुनिए और प्यार दीजिए, और हमारे गाना को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को देखिए, और वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा है, वीडियो को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखिए।